अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, इस लेक्चर में मैं आप लोगों को पिक्चर्स के बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करने का तरीका बताऊंगा और वो भी पावर पॉइंट के अंदर। मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट 365 यूज़ करूँगा, लेकिन जो पिछले वर्जन हैं उसमें भी सेम तरीके से आप लोग कर सकते हैं। तो लेट्स ओपन पावर पॉइंट इन माइक्रोसॉफ्ट 365। तो पावर पॉइंट आप खोलेंगे, दिस इज माइक्रोसॉफ्ट 365। तो इस पावर पॉइंट में ब्लैंक प्रेजेंटेशन खोलेंगे। ब्लैंक प्रेजेंटेशन खोलने के बाद अब यहाँ पे वो तस्वीरें आप इंपोर्ट करेंगे जिसका आप बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं तीन तस्वीरें इंपोर्ट करूँगा। एक जो सिंपल होगी, मकसद उसका जो बैकग्राउंड होगा वो एक ही कलर में होगा। तो मेरे पास एक वाइट कलर्ड बैकग्राउंड तस्वीर पड़ी है जिसमें बैकग्राउंड है उसको ट्रांसपेरेंट करूँगा, और दूसरा कॉम्प्लेक्स बैकग्राउंड जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, वो तीसरा जिसमें कपड़ों का कलर भी बिल्कुल वही है, सेम है। तो हम यहाँ पे तीन जो है वो करेंगे। सबसे पहले सिंपल मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। तो सिंपली ये देखें, थोड़ा बड़ा करते हैं, तो ये देखें पीछे जो लेटर्स हैं वो गुम हो रहे हैं। तो इट मीन्स इसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट बैकग्राउंड है। अब इसको देखें, आप इसको जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तस्वीर को, तो ये देखें ये उसी टैब में आ जाएगा, पिक्चर फॉर्मेट के टैब में आ जाएगा। अब यहाँ पे ये ऑप्शंस मौजूद हैं। आप सिंपल जो बैकग्राउंड है उसका तरीका थोड़ा अलग है, आप जाएंगे ये जो कलर है इसमें, इस पिक्चर फॉर्मेट के अंदर जो ये कलर है इसके अंदर जाएंगे और ये देखें सेट ट्रांसपेरेंट कलर। तो इसका कलर सेचुरेशन, कलर टोन, रीकलर, आप ये सब कुछ चेंज कर सकते हैं, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंट करने के लिए ये देखें सेट ट्रांसपेरेंट कलर, ठीक है। तो अब ये देखें ये कुछ सिलेक्ट होके आया है, तो हम इसको ये जो वाइट बैकग्राउंड है यहाँ पे किसी भी जगह पे क्लिक करेंगे, तो ये देखें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया नंबर वन। और नंबर टू कॉम्प्लेक्स बैकग्राउंड द्वारा हम उठाएंगे, तो ये कॉम्प्लेक्स बैकग्राउंड वाला दिस वन, ठीक है। अब इसका तरीका थोड़ा अलग होगा। अब इसको जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो ये पिक्चर फॉर्मेट में आ जाएगा। अब इसके लिए दूसरा ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा विद इन दिस पिक्चर फॉर्मेट टैब। तो ये आप देख रहे हैं रिमूव बैकग्राउंड, तो इसको सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, इसको सिलेक्ट करने के साथ ही इन्होंने बैकग्राउंड सिलेक्ट कर दिया है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। देखें थोड़ा हिस्सा ये माथे वाला, इन्होंने ये भी सिलेक्ट कर दिया है, ये भी रिमूव हो जाएगा, और ये देखें कपड़े, ये भी रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अब ये कह रहा है कि मार्क एरियाज टू कीप, जो रखने हैं। अब फॉर एग्जांपल ये हाथ, ये तो कट हो जाएगा, लेकिन इसको हमें रखना है, और इस जैकेट को हमें रखना है, और ये इस माथे वाले हिस्से को हमें मकसद बचाना है, रखना है। बाकी ये वाली चीज़ जो सिलेक्ट हो गई है इसको रिमूव करना है, एंड इसके साथ जो पीछे वाला बैकग्राउंड है उसको भी रिमूव करना है। तो सबसे पहले मार्क एरियाज टू कीप, जो रखना है। अब पहले ये देखें, इसको ये पेन सिलेक्ट होके आएगी, ये हाथ अगर आपको रखना है तो इसको यूं बस किसी भी जगह पे करेंगे, तो ये देखें पूरा हाथ हो गया। अब उसके बाद ये जैकेट है, इसको पहले यहाँ पे करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे करते हैं, उसके बाद यहाँ पे करते हैं, उसके बाद ये हिस्सा भी हमें रखना है, उसके बाद ये हिस्सा भी, ये देखें, अच्छा ये हिस्सा बच गया, ये अच्छा, ये देखें आहिस्ता आहिस्ता कर रहा है, ये भी हिस्सा देखें,
एंड दिस वन। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन परफेक्टली ये मकसद ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अब तकरीबन सारी चीज़ें सिलेक्ट हो गई हैं जो जो काम की चीज़ें हैं। बाकी देखें ये वाला हमें नहीं चाहिए, तो मार्क एरिया टू रिमूव, तो ये वाला हमें बिल्कुल रिमूव करना है आप लोगों को, ठीक। और ये देखें ये भी थोड़ा, अच्छा ये बच रहा है, तो आई थिंक दिस इज़ परफेक्ट, वेरी परफेक्ट। आप देख सकते हैं इन तस्वीर के अलावा बाकी जो है पिंक कलर है, जो पिंक कलर वाला है वो टोटल रिमूव हो जाएगा। तो कीप चेंजेस, ये देखें अगर आप ऊपर लेके जाएं, ये देखें दिस वन, ये देखें। उसके अलावा जो तीसरी तस्वीर है जिसमें कपड़ों का भी कलर बिल्कुल सेम है जो बैकग्राउंड का कलर है, तो हियर वी आर दिस वन, इसमें देखें ये कपड़े, इसको बचाना है। अब इसको सबसे पहले तो थोड़ा बड़ा करना है, इसको जैसे सिलेक्ट करेंगे तो ये पिक्चर फॉर्मेट वाले टैब में आ जाएगा। अच्छा, इसमें भी रिमूव बैकग्राउंड वाला ही यूज़ होगा। बहुत सारी चीज़ें सिलेक्ट हो गई, ये देखें हेयर्स टोटल रिमूव हो रहे हैं, और ये थोड़ा आग के ऊपर वाला हिस्सा रिमूव हो रहा है, एंड ये वाला जैकेट, ये सारा कुछ रिमूव हो रहा है। तो जो हमें रखना है हिस्सा उसको सिलेक्ट करेंगे, देखें तो ये सेंस कर रहा है बाकायदा। ये देखें जैसे मैं हेयर्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये सेंस कर रहा है हेयर्स कहाँ तक हैं, उनको बाकायदा सेंस कर रहा है। तो सेम इसको भी सिलेक्ट करूँगा, ये हो गया, इसको भी करूँगा, ये देखें ये थोड़ा ऐसा, ये भी, ये देखें ये कंप्लीट हो गया। इसके साथ दिस वन, थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन परफेक्टली इसका जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो जाएगा। देखें अब ये दोबारा यहाँ पे अगर आ गई है तो खैर है, अब इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये देखें ये वाला हिस्सा थोड़ा रह रहा है, ये वाला। तो अभी आई थिंक इट इज़ वेरी मच परफेक्ट, वेरी मच परफेक्ट। तो अगर आपको कंफर्म हो जाए कि ये परफेक्ट है तो कीप चेंजेस। तो ये देखें दिस इज ऑल डन, ये भी हो गया और ये भी हो गया और ये भी हो गया। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू